नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। हाथरस की घटना को लेकर जिले में कई दिनों से आक्रोश देखा जा रहा है और इसको लेकर सामाजिक संगठन व राजनीतिक दल आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर रोजाना धरना प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसको लेकर जियनपुर के प्रबुद्ध लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। कैंडल मार्च में शामिल लोग मनीषा वाल्मीकि के रेप पर कर हत्या किए जाने के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। जैनपुर क्षेत्र में यूपी के हाथरस में इस दौरान मनीषा वाल्मीकि के रेप पर हत्या किए जाने के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने हाथ में लिखी स्लोगन और तख्तियाँ लेकर मनीषा को न्याय दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। तो वही लोगों ने आरोप लगाया कि रेप पीड़िता का शव माता पिता को देने के बजाय चला दिया गया। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि मनीषा के हत्यारों को फांसी दी जाए। साथ ही पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों को भी सजा होनी चाहिए जिन्होंने जानबूझकर इस घटना की लिपापोती की है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतर आई है। रात के अंधेरे में हाथरस पीड़िता का परिजनों के साथ जो अन्याय हुआ, ये ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इस बाबत क्या कुछ कहा गुलाम रब्बानी रिजवी और सुनील, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम गुलाम रब्बानी रिजवी है। मैं ग्राम पंचायत चुनपार का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, किस तरह का कैंडल मार्च निकाला जी? ये निकाला गया हसरत जो है, जहाँ गुड्डी बच्ची के साथ जो है चार बदतमीज टाइप के बंदे जो है उसके साथ बलात्कार किए। ठीक है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि उनके साथ न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, यही कहना है। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र राम है। ग्राम चुनपार पोस्ट जीरो तहसील सरगढ़ जिला निवासी। आज किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया? कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया, जो हाथरस में मनीषा बहन के साथ जो घटना हुई है उसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले। आज आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से बस हम यही मांग करते हैं कि आइंदा ऐसी घटना ना हो और कड़ा से कड़ा कानून बना करके दोषियों को सजा दी जाए। दोषियों को फांसी की सजा? जी, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।